सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार आज हम फिर से आ चुके हैं सबवे हॉरर गेम में। यस गाइस, ये वही गेम है जो मैंने कुछ दिनों पहले खेलकर अपलोड किया था, लेकिन गाइस उसमें मैंने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया था। तो इस बार मैंने सोचा है कि कुछ जल्दी किया जाए। और गाइस हमारा खुद में ही एक चैलेंज है कि हम लोगों को मरना नहीं है। हाँ गाइस, पिछली बार मैं 2-3 बार मर चुका था तो पूरी वीडियो की वाट लग गई थी, बट तो भी मैंने अपलोड किया था। चलो गाइस वो सब जाने दो, हमको फिलहाल स्प्रे मिला है। तो गाइज यार पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया था। यस गाइज, क्योंकि यार यहाँ पर कुछ लेवल्स होते हैं और हमको आगे वाले पजल में जाने के लिए इस पजल को सॉल्व करना पड़ता है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाने वाला हूँ। और ये क्या यार? ओके यार, छोटे छोटे डब्बे आ रहे हैं हमको डराने के लिए, बट इनको ये नहीं पता कि हम लोग नन, आइसक्रीम अंकल और ग्रेनी जैसे गेम खेल चुके हैं। चलो यार अब मैं वो गेट दिखाने जा रहा हूँ जिस गेट में हम लोगों को कौन कौन से डब्बे पे कौन कौन सा कलर करना है वो दिखाया हुआ है। तो गाइज यार मैंने पिछली बार खेला था, मुझे तो पता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भी मैं दिखा दिया ताकि यार कलर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो यार अभी हम लोग फटाफट पेंट करते हैं, देन इसके बाद इस गेट को ओपन करते हैं। ये देखो गाइज, ये रहे वो सिंबल। अब हमको इन सिंबल को वैसे अरेंज करने हैं जैसे जैसे वो गेट पे लगाया हुआ था, मतलब ब्लू कंटेनर पे कौन सा सिंबल होना चाहिए, रेड पे कौन सा होना चाहिए एंड येलो में कौन सा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पेंट कर देंगे। और वैसे गाइस आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने ट्रेन से कभी छलांग लगाई है? अरे गाइस सीरियसली मत लो यार, मैं तो जस्ट ये पूछने वाला था कि आप लोगों ने कभी पटरी पार किया है क्या, सच सच बताना यार। चलो गाइस हम लोग फटाफट वो सारे सिंबल पे पेंट कर देते हैं, तब तक आप लोग कमेंट में जाओ और टाइप करो कि आप लोगों ने कभी ये सब किया है कि नहीं किया है, और सच सच बताना यार, झूठ बताने से कुछ नहीं होता है। चलो अभी हम लोग फटाफट वो सिंबल को पेंट कर देते हैं, देखो यहाँ पर भी है। और वैसे गाइज इस गेम का अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। और ये देखो गाइज, ये छोटा मोटा डराने का एक जरिया था। पहले तो यार मैं जब पहली बार खेल रहा था तब मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो होगा, क्योंकि यार नाम रखा है सबवे हॉरर, ये हॉरर के नाम पे एक कलंक है। यस गाइज मैं सच्ची बोल रहा हूँ। चलो गाइज वो सब जाने दो यार, वो आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी हम लोग फटाफट चलते हैं और जल्दी से गेट ओपन करते हैं, क्योंकि यार मैंने आई थिंक सो सारे सिंबल को पेंट कर दिया है, अब कुछ बचा नहीं है। अब इस बटन को प्रेस करना है ताकि ये गेट ओपन हो जाए। स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, हा हा हो हो हो। चलो गाइस अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन गाइस इस लेवल में आप लोगों का फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यार ये जो चलती फिरती ट्रेनें है ना इस पे कुछ कोड लिखा होता है। अब आप लोग फोकस करो और देखो कि कोड क्या है और फिर कमेंट में बताओ। चलो यार फटाफट। अभी तक तो आप लोगों ने कोड को नोट कर लिया होगा, तो बस गाइस थोड़ा और वेट करो, फिर उसके बाद जो सामने गेट दिख रहा है, अभी तो दिख नहीं रहा है क्योंकि काफी ज्यादा अंधेरा है। और गाइस इस पजल को जरूर सॉल्व कर देना, क्योंकि यार ये जो ट्रेनें हैं इनकी स्पीड्स बहुत ज्यादा होती हैं, अगर आप लोग नहीं खेल पाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। और वो देखो गाइस वहां पर हमको कुछ तो चमकता हुआ चीज दिख रहा है, चीज क्या गाइस? वो गेट है। चलो गाइस अभी हम लोग कोड अप्लाई करते हैं। फ्रॉम द नंबर्स आई डेफिनेटली सॉ दीस नंबर्स समवेयर। My memory is not that bad. I am proud of myself. Oh, wow, guys. ये हुई ना बात यार। मतलब यार हमने दो पजल तो सॉल्व कर लिया है, अब तीसरे पजल के लिए हमको वो गिटार चाहिए जो मैंने अभी गिटार दिखाया कंटेनर के ऊपर था। ओके, कंटेनर मतलब यार ट्रेन के डब्बे। और यहाँ पर एक डिवाइस होता है जिस डिवाइस की मदद से हम लोग को ये पता चलता है कि यहाँ पर कौन से कंटेनर के अंदर क्या है। तो हमको कॉइन्स ढूंढने गाइस, क्योंकि जो हमको गेट खोलना है वहाँ पर हमको बहुत सारे कॉइन्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यार वहाँ पर कुछ भूखे नंगे भिखारी होते हैं तो उनके मुंह में ये सारे कॉइन्स को फिट करने होते हैं, तभी वो गेट ओपन होगा। तो बस यार फटाफट वो सारे कॉइन्स को कलेक्ट करना है। देखो यार यहाँ पर 8 के 8 मुंह है एंड सब के सब हंग्री है। Looks like they are hungry. I guess I need to feed them something. वैसे गाइज यहाँ पर एक और डिवाइस होता है, ये देखो। और गाइज यार जिसने पिछली वाली वीडियो देखी होगी उनको ये पता होगा कि मैंने वही सेकंड वाली डिवाइस फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से यार मैं कंटेनर को तुक्के में फोड़ रहा था और उसके अंदर से विलन्स या मॉन्स्टर्स निकल जा रहे थे और उन्होंने मेरे को 2-2 बार किल कर दिया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा, जिसने नहीं देखा वो तो अच्छी बात है, क्योंकि यार मेरी बेइज्जती होने से थोड़ी सी बच गई। क्योंकि यार मैं उसमें 2-3 बार मर चुका था, पर फाइनली मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पर हमको 2-2 डिवाइस ढूंढनी पड़ती है, जिसके अंदर से मुझे पहले ही पता चल जाता है कि उस कंटेनर में क्या निकलने वाला है, जैसे कुछ में स्पाइडर, कुछ में मुर्गियां, पता नहीं क्या क्या। एंड मुर्गियां स्पाइडर जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, अगर मैं उस कंटेनर को तोड़ दिया तो समझ जाओ गाइस कि वो हमारा क्या हाल करने वाले हैं। चलो यार फिलहाल मेरे को कॉइन्स मिल रहे हैं तो हम लोग फटाफट ले लेते हैं, क्योंकि यार इस गिटार की मदद से मैं कंटेनर को तोड़ सकता हूँ, ये देखो। बट गाइस गलत कंटेनर को गलती से भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि यार अगर हमने तोड़ दिया तो यार पिछले वीडियो वाली जैसी हालत होगी। इसीलिए गाइस वो गलती नहीं करनी है। तो चलो गाइस अभी हम लोग फटाफट कॉइन कलेक्ट कर लेते हैं
और हाँ गाइज यार, आप लोग लाइक नहीं करते यार आजकल वीडियो को, तो यार प्लीज वीडियोस को लाइक किया करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है यार। आप लोगों का लाइक बहुत ज्यादा ही कम होते जा रहा है मेरे वीडियोस में, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मानता हूँ यार मैं आजकल लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, बट गाइज फिर भी यार सपोर्ट करो यार, किसी रीजन से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट डोंट वरी जल्दी ही करूंगा। चलो गाइज अब इन भूखो नंगों को जल्दी जल्दी कॉइन खिला देते हैं ताकि ये गेट को ओपन कर दे। Enjoy, hungry spades. I'm going to the next level. ये हुई ना बात यार। तो यार अब हम नेक्स्ट लेवल पे मूव कर चुके हैं। वाओ गाइस यार क्या मौसम है भाई, बारिश हो रही है यार, और बारिश का मौसम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो गाइस यहाँ पर एक गेट है, बट गाइस उस गेट को ओपन करने के लिए हमको कुछ तो चाहिए, और उसको ढूंढने के लिए हम लोगों को ये मेटल डिटेक्टर मिला है। ओके अब इस मेटल डिटेक्टर से हम लोगों को मेटल ढूंढना है, मतलब एक्चुअली में गाइस एक गेट ओपन करने का जरिया होता है जो कि मैं अभी दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो बस। ये देखो गाइस मिल गया, अब इसको सीधा करते ही एक गेट ओपन होता है। और वैसे यार यहाँ का रास्ता तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ी देर वेट करो मैं बताता हूँ। आई नीड टू टर्न ऑन द लाइट। वैसे गाइस काफी ज्यादा अंधेरा है तो मैंने लाइट ऑन कर लिया। अब मुझे इस फ्रिज से एक लड़के का पैर हाथ सब मिलता हुआ है टूटा हुआ, वेट में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो यार, अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार फ्रिज में कौन हाथ पैर रखता है। वैसे गाइस गेम है, सब चलता है। अब ये किसका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे गाइस सच कहूँ तो ये मेरे फ्रेंड का है। और यार मजे की बात तो ये है कि मेरे जैसे वो भी शेर बनने आया था, लेकिन यार उसको मार पीट के हाथ पैर अलग कर दिए। अब उसको बचाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यार उसका मसीहा आ चुका है, उसका फ्रेंड। तो चलो गाइस हम लोग ऊपर आ गए, अब यार फटाफट लाइट ऑन कर देते हैं क्योंकि काफी ज्यादा अंधेरा है। अरे वो बेवड़ा है कहाँ पर, यहाँ पर नहीं है। वैसे गाइस यहाँ से हमको एक दवाई लेनी पड़ती है, वेट ये रहा, यही तो मैं ढूंढ रहा था यार। चलो गाइस अभी अपने फ्रेंड को ढूंढते हैं। और ये देखो यार, इसको तो आप लोग जानते ही होगे यार, अगर जानते हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ यार, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ। चलो ये देखो गाइस अभी हम लोग एक बुक को बाहर खींचेंगे जिससे एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होगा, और उसी के अंदर मेरा दोस्त मरा हुआ पड़ा रहता है। पहले तो यार मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एंड वो काफी ज्यादा ब्लैक होने की वजह से तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। वो देखो गाइस उसका हाथ पैर सब कुछ अलग कर दिए हैं, तो मुझे इसको लगाना पड़ेगा। वेट करो, बंदा अभी मरा हुआ है। लॉजिक तो नहीं समझ में आया कि ये बंदा जिंदा कैसे होता है वापस, बट जो भी है इसी से हेल्प मिलेगी हमको। हाय जैक, यू आर माय सेवियर, यू कैन टेक माय गर्लफ्रेंड, यू डिजर्व इट। Inspector Hector has gone mad. He is obsessed with wagons. He makes monsters out of them. He also wanted to make a monster out of me. Black, strong, agile, like me. But you saved me. Then we need to stop him. Yes, but not us. You. You are the main character of the game. And I have to run because I am black, strong, agile. Bye. And keep the key. I hope you know how to use it. तो गाइस यार काफी ज्यादा बकवासबाजी के बाद वो हमको एक की देकर गया है, क्योंकि यार हमने जब कहा कि उस पुलिस वाले को हम मारने वाले, तब तो उसकी हालत ही खराब होगी। इसलिए गाइस कोई बात नहीं, हम लोगों को अकेले ही जाना पड़ेगा। तो चलो यार फटाफट उस गेट को ओपन करते हैं, देन उसके बाद लास्ट लेवल जो कि एक पुलिस वाले को मारना है। हाँ गाइस वही पुलिस वाला जो कि नॉर्मल सबवे सफर में रहता है, जैसे कि आप कहीं पर टकरा जाते थे तो वो पुलिस वाला आपके पीछे पड़ जाता था, फिर उसके बाद एक बार और टकरा गए तो वो मार ही देता था, लेकिन इस बार हम लोग उसको मारने वाले। और ये I'll kick your ass, wagon of file. Isse vasilar derin vasasha was on bow asa tre tin mayos. Ha ha! The milk on your lips hasn't dried yet. Taste my guitar, bitch. Lekin guys, ye. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me,
This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Jay, ruk ja. Oh, wow, guys. This time you beat me. But we will meet again, little asshole. I will take revenge on you for everything you did to my black friend. Ciao, amigos. Oh, wow, guys. ये हुई ना बात यार, मतलब यार हम लोगों ने फाइनली उसको डिफीट कर दिया। तो गाइज आप कमेंट में बारिश कर दो कि आप लोगों को ये गेम कैसा लगा, और यार थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और यार अच्छे से अच्छे कमेंट भी जरूर करना। चलो गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे।